इस घटना के एक दिन पहले यानी कि 24 जून 2022 को ही फिरदौस और उसके साथी शूटर लखनऊ आ गए थे और वीरेंद्र के नीलमत्था स्थित घर की जब वो रेकी कर रहे थे तो बिहार में बैठकर बिट्टू उन्हें वीडियो कॉल के जरिए रास्ता दिखा रहा था। फिरदौस और उसके चार साथी वारदात को अंजाम देने वीरेंद्र के घर पहुंचे थे। इनमें से दो ने बिहार पुलिस की वर्दी पहन रखी थी जबकि दो खाकी पैंट में थे। वीरेंद्र के घर पहुंचते ही उनके गार्ड और अन्य लोगों को कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर वीरेंद्र की हत्या की और भाग निकले। वीरेंद्र बिहार के एक पूर्व बाहुबली सांसद का करीबी था जो अपना नाम बदलकर लखनऊ में रह रहा था। जिन शूटर्स ने उसे निशाना बनाया वो बिहार के सिवान के कुख्यात रईस खान के शूटर थे। यूपी और बिहार के शूटर्स के कनेक्शन का ये भी एक उदाहरण था। और तो और जानकार बताते हैं कि बिहार में सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का यूपी के बाहुबलियों के साथ बहुत ही नजदीकी रिश्ता हुआ करता था। शहाबुद्दीन के ज्यादातर शूटर यूपी से बुलाए जाते थे, चाहे अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी। दोनों का शहाबुद्दीन के घर आना जाना था। शहाबुद्दीन की बेटी की सगाई में मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे शामिल हुए थे। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के साथ अतीक और मुख्तार के बेटे के अच्छे संबंध हैं। ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद सिवान में शहाबुद्दीन परिवार से अयूब खान और रईस खान की अदावत बढ़ गई। साल 2022 में एमएलसी चुनाव के वक्त रईस खान के ऊपर AK-47 से हमला किया गया। इस घटना में ओसामा के खिलाफ FIR दर्ज हुई। घटना में यूपी का शूटर चवन्नी सिंह का नाम सामने आया जिसे बाद में सिवान पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद उसके अधिकांश शूटर मुख्तार और अतीक अहमद के पास चले गए। यूपी का माफिया डॉन ब्रजेश सिंह हो या मुन्ना बजरंगी, सारे के सारे गैंगस्टर और माफिया के मुख्य शूटर बिहार के ही होते थे। धनबाद के कोयले के धंधे में ब्रजेश सिंह और फिर बाद में मुन्ना बजरंगी का सिक्का चलता था। दोनों ने गिरोह चलाने के लिए यूपी से लेकर बिहार तक कई शूटर पाल रखे थे। उत्तर प्रदेश की बागपत जेल में गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके लिए भी हथियार बिहार से ही भेजा गया था। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का आतंक फैला था। यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी ने कभी बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को मारने की साजिश रची थी। अनंत सिंह को मारने के लिए दो शूटर लगे हुए थे लेकिन उन्हें समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार शूटर मोनू और निलेश ने पुलिस को खुलासा किया था कि उसका भाई सोनू मुख्तार अंसारी के साथ रहता है। अनंत सिंह को मारने के लिए मुख्तार अंसारी ने मोनू और निलेश को 50 लाख रुपए की सुपारी दी थी। सोनपुर मेले के दौरान अनंत सिंह को मारने की योजना थी लेकिन तब अनंत सिंह बच गए और यूपी से बिहार आए शूटर्स को पुलिस ने धर दबोचा। अमिताभ ओझा, News 24, पटना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।